पूर्व वर्धमान जिले के कालना साहा सरकार मोड़ के पास एक फास्ट फूड दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना को लेकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर दमकल का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर के कारण दुकान में आग लगी है। घटना के बारे में दुकान मालिक परवेज आलम ने बताया कि रविवार दोपहर गैस ओवन अचानक नीचे गिर गया, जिसके कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान में रखी गई कई सामग्री जल राख हो गई। इस अग्निकांड में हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। ओवन गिर गया नीचे, ठीक है, और आग लग गई। यहाँ का सामान वामान रखा हुआ था, सब बर्बाद हो गया। गैस सिलेंडर से हुआ। कितनी क्षति हुई, कितनी नुकसान हुई आपको? बोले सर आपको 25-30 हज़ार सब बर्बाद हो गया। 500-500 के जी मांगते थे, चावल था, बिरयानी बना हुआ है। कैसे कंट्रोल में आया सब बर्बाद हो गया? ये आग कैसे कंट्रोल? वो दमकल आया इस वजह से। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जितने भी फास्ट फूड की दुकानों, होटलों और रेस्तोरा में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। সিলিন্ডার মানেই একটা আতঙ্কের ব্যাপার। সিলিন্ডার নিয়ে যত রকমের প্রোডাক্ট আছে, আপনার ফাস্ট ফুডের থেকে আরম্ভ করে যত রকমের আছে মার্কেটে, যেগুলো সব ব্যবহার করা হয়, অ্যাকচুয়ালি ওগুলো সেফটি ঠিক করে অ্যারেঞ্জ করতে পারে না। কারণ সেফটি যথাযথ সেফটি না হলে এরকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে। আর যদি সেফটি না হয় তাহলে এগুলো অ্যালাউ না করাই উচিত। সেফটি নিয়ে এগুলো করলে আমার মনে হয় কি সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া ছিল। এদের একটা এক্সটিংগুইশার ছিল, এবার ওটা কুইক স্পেড হয়ে গেছে। এক্সটিংগুইশার চার্জ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আলি টালি দিয়ে ওরা অলরেডি কন্ট্রোল করতে পেরেছে। যাক, যতটা ইয়ে করেছিলাম ততটা ওরা নিজেরা অনেকটা দেখলাম এই ব্যাপারে। সিলিন্ডারটা কি বাস্ট করেছিল? না না না, বাস্ট করেছিল। बहरहाल दमकल कर्मियों द्वारा आग पर नियंत्रित किए जाने पर आसपास के दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। कालना से राजकुमार घोष की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।